हाँ देखिए, गणित कक्षा 10 हिंदी मीडियम है और अध्याय 10 प्रश्नावली 10.2, ठीक है। ये 10.2 प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है, थर्टींथ क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें पूछा गया है, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण आंतरित करती हैं। संपूरक कोण होता है 180 डिग्री का, ठीक है ना। तो केंद्र पर संपूरक कोण कौन आंतरित करता है? आमने सामने की भुजाएं। तो देखिए यहाँ पे ये चित्र बन के नहीं आएगा, ये चित्र तुम्हें खुद बनाना है। तो इसके लिए मैं आपको बताते जाता हूँ स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले एक वृत्त बनाना, ठीक है। एक वृत्त बनाना जिसका केंद्र ओ है, ठीक है। अब इसमें क्या करना है तुम्हें, वृत्त बनाया, ठीक है। अब ये कैसा है, परिगत, वृत्त के परिगत चतुर्भुज है, तो फिर एक इसके जो है इस तरह से जो है चतुर्भुज बना देना जो इससे यहाँ टच करते हुए जाए बीच में इस लाइन को, ठीक है ना, इस तरह से, ठीक है। इसका नाम रख देना ए बी सी डी। ये चित्र कैसे बनाए, एक स्टेप बाय स्टेप बताते जा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। ए बी सी डी आपने बना लिया। अब आपको क्या करना है, ये जो पॉइंट्स यहाँ पर टच कर रहे हैं इनको मान लेना पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, ठीक है। अब इन पी क्यू आर एस, अब इसको क्या करना है, इसको पहले इसको यहाँ से ऐसे मिला देना सबको, इनको ये मिला दिया आपने, ठीक है। इसके बाद आप इसको भी मिला दो, इसको डॉटेड डॉटेड करके मिला दो यहाँ पे, इनको भी मिला दो, ठीक है। अब यहाँ पे एक सेंटर ओ मान लो, ठीक है। अब यहाँ से हम शुरू करेंगे, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से जो है आपने, ये कंप्लीट हो गया पूरा डायग्राम, ठीक है। तो ये डायग्राम कंप्लीट करने का तरीका मैंने आपको बताया। अब आगे समझिए क्या करना है। देखो यहाँ पे जैसे कि क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं, सिद्ध क्या करना है आपको कि वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं, यानी कि जैसे ये भुजा और इस भुजा, ये आमने सामने की भुजाएं, तो हमें क्या करना है बताना है, ए ओ डी प्लस बी ओ सी दोनों को जोड़ेंगे तो 180 होना चाहिए, यानी कि ये दोनों कोण 180 होने चाहिए। ऐसे ये आमने सामने भुजाएं हैं तो ये दोनों कोण 180 होने चाहिए, ठीक है ना। तो यही चीज़ है, पहले तो थोड़ी सी आपको भाषा लिखनी पड़ेगी। जैसे दिया है, क्या दिया है, देखो वृत्त के परिगत बने चतुर्भुज ए बी सी डी, ये चतुर्भुज ए बी सी डी है कि भुजाएं ए बी बी सी सी डी और डी ए, इसकी भुजाएं ए बी बी सी सी डी डी ए क्या कर रही हैं, वृत्त को पी क्यू आर एस, देखो पी क्यू आर एस पर स्पर्श करती हैं, ठीक है। अब इसके बाद सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है आपको, देखो ए ओ बी प्लस सी ओ डी, ए ओ बी देखिए, ए ओ बी ये रहा ए ओ बी, इसके सामने वाली भुजा ये हो जाएगी, तो यह हो जाएगा सी ओ डी। तो दोनों जो है बीच में कोण कितना बना रही है, 180 का, ऐसे ही ये कोण ले लिया, ये भी 180 है, देखो ए ओ डी, ए ओ डी और बी ओ सी दोनों मिलके कितने 180। तो ये तो आपको सिद्ध करना है, यानी कि इनके आमने सामने वाली भुजाएं जो है चतुर्भुज की, बीच में जो केंद्र पर 180 डिग्री का कोण बना रही है, यानी संपूरक कोण बना रही है। अब रचना ओ पी ओ क्यू ओ आर और ओ एस को मिलाया, इनको मिलाया था आपने, देखो ओ क्यू ओ आर ओ एस ओ पी इनको मिलाया था, तो ये आपने लिख दिया मिलाया। अच्छा इसके बाद उत्पत्ति, अब यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं सवाल सॉल्व आगे करने की। तो ये देखिए, ये हमें पता है कि वृत्त के बाहरी बिंदु से खींची गई दो रेखाएं, वृत्त के बाहरी बिंदु, यानी जैसे ये बाहरी बिंदु ए है, यहाँ से खींची गई दो रेखाएं क्या है, ए एस और ए पी है। तो खींची गई रेखाएं वृत्त के केंद्र पर बराबर कोण आंतरित करती है, यहाँ से जो केंद्र पर कोण बनना है, यानी कि ये 1 2 ये जो कोण बनना है, ठीक है, ये दोनों कोण ये कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, एंगल 1 इजकल टू एंगल 2, ऐसे ही यहाँ से देखो ये 3 और 4 बराबर होंगे, कॉमा एंगल 3 इजकल टू एंगल 4 कॉमा, ऐसे ही ये देखिए यहाँ से ये 5 6 बराबर होंगे, एंगल 5 इजकल टू एंगल 6 और इसी प्रकार एंगल 7 और एंगल 8 बराबर होंगे, ठीक है। तो इसको मैं रफ कर देता हूँ अब चित्र को। ठीक है, अब आगे हम सॉल्व करते हैं। देखिए अगर मैं इन सबको ऐड कर दूँ, सबको जोड़ दूँ 1 से लेकर 8 तक, तो ये पूरा एक जो चक्र होता है यहाँ से लेके यहाँ तक वो 360 डिग्री होता है, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे क्योंकि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4
360 डिग्री, ठीक है ना, ये सभी एंगल हम जोड़ लेंगे तो 360 डिग्री होता है, ठीक है। तो अब देखिए हमें जो सिद्ध करना है उसके हिसाब से हम देखेंगे अब। तो देखो AOB और COD ये लाना है 180 हमें, तो AOB हम देखें यहाँ से, तो AOB में क्या है, दो और तीन आ रहे हैं, और COD में क्या आ रहा है, छः और सात। तो हम क्या करेंगे, एंगल टू प्लस एंगल थ्री, ठीक है ये आ गया, और प्लस टू और थ्री के बाद इसके सामने वाले ये ले लो छः और सात, प्लस एंगल सिक्स प्लस एंगल सेवन, ये बराबर कितने आ जाएंगे, ये क्या है, इनको डबल कर देंगे हम। मैं अभी समझाता हूँ क्यों ऐसा कर रहा हूँ, बराबर 360 ऐसा हम लिख सकते हैं। ऐसा हम क्यों लिख सकते हैं ये बताता हूँ मैं, ऐसा हम इसलिए लिख सकते हैं कि देखो वन और टू बराबर हैं, तो इस वन की जगह अगर मैं टू लिख दूँ, एक लाइन अगर मैं यहाँ बढ़ा दूँ अगर, तो भी आपको समझ में आ जाएगा। देखो ऐसे शायद आपको थोड़ा डाउट हो, मैं थोड़ा सा और ज़्यादा क्लियर कर देता हूँ। हमें जो चाहिए थे वो हमें चाहिए टू थ्री एंगल, तो हम क्या करेंगे, देखो वन को भी टू लिख दें यहाँ पे, इसी के बाद देखते जाना, देखना इसको एंगल टू लिखेंगे, इसको एंगल टू रहने देंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों बराबर हैं, तो एक की जगह एंगल दो, दो यहाँ पे दो भी लिख सकते हैं। अब हमें क्या चाहिए, टू और थ्री दोनों ही चाहिए, तो थ्री को थ्री रहने दो, थ्री और फोर इक्वल हैं तो फोर को थ्री कर दो। यानी कि हम किस किस को चेंज कर रहे हैं, यहाँ पे इसको चेंज किया, यहाँ पे हम इसको चेंज कर रहे हैं, तो हम लिखेंगे प्लस एंगल थ्री प्लस एंगल थ्री, फोर को थ्री कर दिया हमने, क्योंकि दोनों तो बराबर ही हैं। और इसके बाद हमको क्या चाहिए, सिक्स सेवन चाहिए, तो हम सिक्स सेवन को ऐसे ही रहने देंगे, इनको चेंज करेंगे यहाँ फाइव को और यहाँ एट को, तो फाइव को सिक्स में चेंज कर देंगे, प्लस एंगल सिक्स, ये एंगल सिक्स कर दिए, ये तो एंगल सिक्स है ही पहले से ही, और प्लस एंगल सेवन पहले से ही ऐसे लिखा है, और एट को लिख देंगे एंगल सेवन, ये 360 हो जाएगा, ये हमने लिखा, ठीक है ना। तो अब इसके थ्रू लिखा है क्योंकि ये हम पहले ही लिख चुके थे ना, ये बराबर है उस। अब ये हमने ऐसा क्यों किया, देखो एंगल टू जुड़ जाएंगे तो क्या आ जाएगा, टू एंगल टू, और एंगल थ्री दो बार है तो टू एंगल थ्री, ये दो बार है तो टू एंगल सिक्स, और ये भी दो बार लिखा है तो टू एंगल सेवन बराबर 360। अब इसको क्या लिख सकते हैं, देखो टू कॉमन ले सकते हैं हम यहाँ से, टू कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बचेगा, एंगल टू प्लस एंगल थ्री प्लस एंगल सिक्स प्लस एंगल सेवन बराबर 360, ये बचेगा, ठीक है। अब दो का इसमें भाग दे दो तो क्या आ जाएगा, एंगल टू प्लस एंगल थ्री प्लस एंगल सिक्स प्लस एंगल सेवन बराबर 360 में दो का भाग देंगे तो दो एकम दो, एक बचा दो अट्ठे सोलह, 180 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये दो और तीन इनको इकट्ठा लिख लो ऐसे मान लो ब्रैकेट में, ठीक है। तो दो और तीन क्या बन रहे हैं, ए ओ बी, एंगल ए ओ बी, ओ है बीच में सेंटर वृत्त का केंद्र, ठीक है। तो ए ओ बी बन गया दो और तीन मिलके, और छः और सात मिलके क्या बन गया, सी ओ डी प्लस एंगल सी ओ डी बराबर 180, ठीक है, यही तो लाना था। देखो ए ओ बी प्लस सी ओ डी बराबर 180, ठीक है, तो ये आ गया। और अब लिखेंगे ये प्रूव हो गया। इसी प्रकार हम लिख सकते हैं क्या, ए ओ डी एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ सी बराबर 180 डिग्री बता सकते हैं हम, आ जाएगा। तो ये दोनों ही लाने थे यहाँ प्रूव्ड, ठीक है, बस इतना ही आपको सिद्ध करना था, कंप्लीट हो चुका है, ठीक है।